Marina Sandeh, bye. पेट्रोल और एलपीजी गाड़ी वालों के लिए खुशखबरी है कि मऊ से बहादुरगंज रोड पे आधे डी में आप देख सकते हैं कि प्रीमियम ऑटो एलपीजी श्री बालाजी ऑटो फिलिंग स्टेशन खुल गया है, जहां पर एलपीजी की फिलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं पंप काफी ग्रीन वातावरण रखने के लिए, प्रदूषण मुक्त शहर के लिए इस तरीके से डीजल की जगह पेट्रोल का और एलपीजी का प्रयोग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं, ये एलपीजी फिलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर मऊ में पहला फिलिंग स्टेशन है और यहाँ पर आपको हर तरीके से लाभ दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका सिस्टम है, इधर देख सकते हैं कि पूरा इनका प्लांट यहाँ लगा हुआ है। ये मऊ और गाजीपुर वासियों के लिए बड़ा तोहफा है एलपीजी फिलिंग स्टेशन का, काफी सस्ते में अब आप कर सकते हैं यात्रा, प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं शहर। एलपीजी फिलिंग स्टेशन श्री बालाजी ऑटो फिलिंग स्टेशन। इस समय हम एलपीजी प्रीमियम ऑटो एलपीजी श्री बालाजी ऑटो फिलिंग स्टेशन के मालिक के पास मौजूद हैं, सामने बैठे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। हमारा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है, मैं इस गांव का आधे डी का 10 साल से लगातार प्रधान हूं, मैं एक समाज सेवा का कार्य करता हूं। प्रधान जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि शहर में मात्र 5% एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने एलपीजी फिलिंग स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, आखिर क्यों? हमने समाज सेवा का कार्य करने का मेरा शुरू से ही मेरा एक लक्ष्य रहा है, जिसको मैं देखते हुए प्रदूषण रहित मऊ के जनता के स्वस्थ रहने के लिए मैंने एक अच्छी सोच के तहत मैं ज़िले में एलपीजी पंप का निर्माण कराया हूं, जिसको मैं ये चाहता हूं कि क्लीन मऊ ग्रीन मऊ मैं बना सकूं, जिसमें प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आरटीओ से, डीएम साहब से, एसपी साहब से भी मैं कई बार लोगों के समक्ष मीटिंग में जाते हैं तो मैं बात को उठाता हूँ, मगर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल पर्यावरण की और स्वच्छता की बात करते हैं, मगर मऊ ज़िले में नगर पालिका के तहत आने वाले शहर में यदि डीएम साहब और कप्तान साहब थोड़ी सी ध्यान दे दें कि जो प्रदूषण रहित गाड़ियां चल रही हैं, जो डीजल की गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, जो लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है, जो बुज़ुर्ग और हमारे भाई बंधु रहते हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान देते तो हम जो जिस लक्ष्य से मैं मऊ में लेकर के एलपीजी पंप को आए हैं उस पंप का अच्छे तरीके से हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि प्रदूषण रहित गाड़ियों को डीएम साहब और कप्तान साहब ज़िले से थोड़ा बाहर कर दें और थोड़ा सा क्लीन मऊ ग्रीन मऊ पे ध्यान दे दें तो पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा, लोग भी शुद्ध हो जाएंगे और शहर भी शुद्ध हो जाएगा, यही सोच लेकर के मैं आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे बीच श्री बालाजी ऑटो फिलिंग स्टेशन एलपीजी फिलिंग स्टेशन के मालिक बैठे थे, जो कि प्रधान जी और समाज सेवा के भावना से इन्होंने इस पंप की स्थापना की, यहाँ पर इन्होंने ये एलपीजी सेंटर खोला है और ग्रीन मऊ और क्लीन मऊ के तहत इन्होंने ये खोला है। कमाई का उद्देश्य नहीं बल्कि वातावरण को चुस्त दुरुस्त करने का और ये उद्देश्य इनका था। अब इसी क्रम में एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपको एलपीजी से वातावरण के अतिरिक्त जो टैक्सी चालक हैं उनका क्या लाभ है, आप इसे भी बताएं। उनका लाभ ये है कि डीजल भी आपका कम से लगभग 65 रुपया लीटर है, पेट्रोल 75 से 80 रुपया लीटर है और एलपीजी जो है लगभग 40 रुपया पर लीटर है और एवरेज उतना ही है। एक गरीब आदमी जो कि हर लीटर दिन भर में 10 लीटर यदि पेट्रोल या गैस डीजल खपाता है और हमारा एलपीजी यदि 10 लीटर रोज़ खपाएगा तो पर डे कम से कम 300 रुपये की बचत होगी, जो कि एक महीने में उसकी 9000 रुपये बचत होगी। जिस 9000 रुपये से चाहेगा तो अपनी नई गाड़ी का किस्त भी जमा कर सकता है या अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण करने में खर्च कर सकता है, जिसके बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा, स्वस्थ रह सकते हैं। और मैंने अच्छी बचत के लिए ये कार्य किया है, मगर लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों को समझाया जा रहा है, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं मगर प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौजूद थे हमारी संदेश लाइव के साथ।